ना भोरा ना माटी छत्तीसगढ़ में अपने टुकाराम गुरु जी का बैंजो सबसे खाटी से ये है उनका स्टोर रूम, यहाँ पे पूरा लकड़ी वगैरह रहते हैं। पब्लिक मतलब यहाँ बैंजो छोड़ो ना, कोई टेंशन नहीं, एकदम फ्री होकर मिलता है। आपको बैंजो लेना है तो यहाँ जरूर आना, इनके जैसा बैंजो छत्तीसगढ़ में मेरे हिसाब से कोई नहीं बनाता। पब्लिक, मैं हूँ इस चैनल का होस्ट वैभव सिंह राजपूत। सो गाइस, इस वाले ब्लॉग में ये है कि आज हम लोग जा रहे हैं भिलाई तुकाराम गुरुजी के पास में। रजत भाई का बैंजो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, तो उस बैंजो को रिपेयरिंग में देना है और कुछ बातें भी करेंगे। आप लोग को दिखाऊंगा भी कि वो बैंजो कैसे बनाते हैं और उनका घर कहाँ पर है, क्योंकि वो घर से ही काम करते हैं सब चीज़। उनकी दुकान नहीं है लेकिन घर से ही बहुत अच्छा बैंजो, मतलब हमारे मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में सबसे नंबर वन बैंजो उन्हीं का है। तो चलिए उनसे मिलते हैं, हम बात करते हैं और इस व्लॉग को शुरू करते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में। रजत भाई आ रहे हैं घर से अपने, तो रजत भाई से भी मिलते हैं। उनके लिए नहा धो के तो मैं रेडी हो गया हूँ, तो चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय पब्लिक, फाइनली अपन रेडी हो गए और अपने भाई लोग भी आ गए। रजत भाई, क्या रजत भाई, इतना वेट करा दिया भाई, इतना देर से बैठा भाई। मैं देखो भाई लोग भी तेरे से बात करने के लिए रुके। अभी तेरे कैमरा फूट गया क्या रे बड्डे, कब से बैठा हूँ। अभी तेरे कैमरा नहीं फूटा है बे, वो कैसे ये बन गया है। तो गाइस मेरा कैमरा नहीं फूटा है, वो कैमरे के ऊपर का जो ग्लास गार्ड है वो टूट गया। अपना नानू भाई, क्या नानू भाई, और रजत भाई सब बढ़िया भाई। मेरे सामने 2 बजे आया हूँ मैं, 3:30 बज गया। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो चलो पब्लिक सीधा चलते हैं अपन जल्दी चल। तुकाराम जी के यहाँ, गुरुदेव के यहाँ, वहीं पे उनसे बात करेंगे, मिलेंगे, रास्ते का भी व्यू दिखाऊंगा आप लोग को। तो चलो गाइस वहीं पे मिलते हैं। अभी फिर से वापस हम लोग घर जा रहे हैं, क्योंकि तो मैं 2-3 दिन पहले एक ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से पावर बैंक का, तो पावर बैंक वाला आ गया है लेकर के, डिलीवरी बॉय आ गया है। तो वापस जा रहे हैं और रजत भाई लोग वही पीछे में पेट्रोल डला रहे हैं, तो वापस जाते हैं पावर बैंक लेंगे, उसको भी दिखाऊंगा आप लोग को। उसके बाद हम चलेंगे सीधा भिलाई। तो चलो भाई भाई आ गए हैं, भाई ये रहे पावर बैंक लेके। क्या भाई कैसे हो, बढ़िया ना भाई, पावर बैंक लेके आ गए। कितने रुपए हुए, 904 रुपए। तो चलो भाई पावर बैंक लेते हैं भाई से, फिर मिलते हैं आप लोग से ना किडॉन लेते ना। अभी पावर बैंक नया तो ओपनिंग करते हैं अभी इसका। ओ भाई ओपन कर रहे हैं अभी भाई, अच्छा सिस्टम निकला है कि जो डिलीवरी बॉय आएगा वही ओपन करके देता है। जरूरी भी आज एक चीज और ऑर्डर किया था भैया, इसका केबल वो भी आ गया, आपसे पहले आ गया लेकिन कौन देखेगा, वो एक फ्लिपकार्ट से ही था, लूना में आए थे भैया। अच्छा वो समझ गए ना, अभी चमन लाल वही होगा। इसका जूता भी अभी 2-3 दिन पहले वही लेके आए थे। अरे पैसा एक्स्ट्रा वापस कर दिए थे हम लोग को, फिर वापस क्यों, वापस बुलाया उसको फिर वापस दिए पैसा। भाई का फोकट कटता ना, मजा नहीं आता। पेमेंट मैं करूंगा ना, मेरे को अच्छा लगता है पेमेंट देने में, पेमेंट देने में अच्छा लगता है। अच्छा अभी कुछ दिन में नोट गिनते हैं अपन, इतना नहीं है, दिक्कत नहीं है, अभी गिनेंगे बहुत नोट गिनना बाकी है। मंथली गिनना कैसे, मंथली गिनना अभी मोनेटाइज हो गया अभी। पब्लिक आप लोग को एक खुशखबरी बताना, अपना चैनल मोनेटाइज हो गया, ऐड आना शुरू हो गया। पब्लिक बहुत खुशी हो रहा है। पब्लिक ये है अपना पावर बैंक आ गया भैया लेके आया। भैया थैंक यू सो मच,
भाई ला दिए अपना पावर बैंक मस्त है। अबे सुनना भाई, हमको 2 रुपए डिस्काउंट दिया और इतने पूछी पब्लिक, 2 रुपए डिस्काउंट हो गया यार, 904 रुपए का पड़ा ये, भाई को 902 रुपए दिया भैया मान लिए। रायपुर सारे कह रहे क्या, रायपुर सारे कह रहे और अपना वो भाई का नाम ही जयरा मेरी जान लगते। ओह माय गॉड क्या बात है यार। तो चलो पब्लिक चलते हैं अपन, इसको जेब में डाल, भाई लोग खड़े तो बाय। आ गए इन लोग भी, मिल गए अपने को, चले तो लेट्स गो पब्लिक। चलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ये अपना टाटीबंद चौक है पब्लिक, चल बता दूं भाई लोग आ रहे हैं। ये टाटीबंद चौक है, फोकट में पाउडर मिलता है यहाँ पे, फोकट में पाउडर मिलता है, जिसको भी लगाना हो आ जाना। पब्लिक ये है कुमारी का छोटी गंगा ये समझ रहे, छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दी। तो पब्लिक ये है चरोदा, अभी हम लोग चरोदा पहुंचे हैं। तो भाई लोग भी आ गए, मास्टर लोग सानू भाई और रजत भाई, सारा भाई रास्ता बता रहे हैं मास्टर को। क्या मास्टर बताओ भाई, क्या बताओ, यहाँ से मोड़ के लेफ्ट लेना है और वहाँ से अंदर जाएंगे सीधा घर। चलो ना, तो चल अक्कू भाई, भाई गाड़ी निकालो, स्टोरी डाल रहा ब्रो मैं। भाई स्टोरी डाल रहे हैं, हाँ ये अलग से तो चलो मास्टर अपन मिलते थोड़ी देर में। चलो भाई लोग पब्लिक ये रहा रास्ता, यहाँ से अपन लेफ्ट। पब्लिक उनकी दुकान नहीं है, मतलब उनके घर से ही सब काम चलता है, उनके घर पे ही सब काम होता है, बैंजो बनता है, लकड़ी वगैरह सब उनके घर पे ही कटता वगैरह सब चीज वही होता है, घर नहीं है उनका। दुकान नहीं है, घर है, और घर ही हो बढ़िया, एक नंबर दुकान से अच्छा। साना भाई ले जा रहे हैं मस्त रास्ता, जानते हैं साना भाई। तो बस पब्लिक पहुंच गए अपन, ये है आंटी और ये है उनका घर, ये उनका घर है, देखो बैंजो लटका हुआ है, ये अंतर्राष्ट्रीय तुकाराम जी। तो अंदर चलो पब्लिक, अंदर चलते हैं। चलो अकाश भाई कैमरा पकड़ो, ओ ब्रो चलो अंदर गुरु जी के पास। ये देखो गुरु जी और रणवीर कपूर है ना, अलग से फुल नाम चलता है गुरु जी का। ये देखो ये उनके पूरे मंडली है, ये पहले के जब पहले बैंजो बजाते थे उनके अवार्ड मिला था, पूरा अवार्ड है उन्हीं का, ये सब उन्हीं को मिला है, सब में नाम लिखा है ऊपर भाई। अलग से पूरा देखो पब्लिक, इतना तो हम लोग जिंदगी भर में नहीं लाएंगे। ओवर फोटो दिखाना ये देखो, इनके साथ भी फोटो है इनका, इनके आर्टिस्ट है भैया पूरा भाई, बहुत बड़े हैं भाई, बहुत बड़े कलाकार। मनोज भाई का बैंजो भी है अलग से, अरे मनोज भाई का बैंजो भी यहाँ पड़ा हुआ है,
अपने आनंद धुमाल के मास्टर। पहला होगा तो ये है गुरु जी हमारे। बैठ रहा जाता, बैठो ना। बच्चे कौन काले करे कहीं भी खोलूंगा, शोरूम खोलूंगा। हाँ ठीक है। तो वहाँ के बजाय यहाँ घर में अगर मैं चला रहा हूँ धंधा और उससे ज्यादा बेनिफिट मेरे को लग रहा है तो क्यों मैं करोड़ों पे फंसा चुका हूँ। आपका नाम ही काफी उस्ताद जी, तुकाराम ठाकुर के नाम से हर आदमी जानते हैं। अभी धुमाल लाइन में सबसे जो व्यंजन बज रहा है तो इनका व्यंजन बज रहा है और काबिले तारीफ भी है। काबिले तारीफ बना सब रहे हैं अपने अपने हिसाब से, मैं यही कहूँगा, है ना। हाँ। पर वही है कि नजाकत को नहीं समझते। व्यंजन बजना बज रहा है ना, सुर में रहा चाहे बेसुर है, बज रहा है, ऐसा कैसे बजना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसकी समझ नहीं है भाई। बेंजो बन अभी आजकल, अब क्या पहले बजाने वाले थे कम, तो मैं वो सब चीज से पारंगत हूँ। आप पूरा बजाए हुए प्लेयर हो ना। छोटे कवाली स्टेज तक बैठ के बजा चुका हूँ। आपको कितने साल हो गया गुरु जी? 45 से 50 के लगभग जा रहा है। हाँ, बजाते हुए 2010 में विदेश से आया हूँ, फ्रांस से। फिर छुट्टी मांगी, विदेश गए थे बजाने के लिए? फ्रांस गए थे घूमने के लिए, थोड़े जाऊंगा भैया। बाप रे, फ्रांस गए थे तो फ्रांस से बजा के आ गए बेंजो। मायने रखता है, अपना ही बजाना है ना, चाहे दुनिया में कहीं जाओ, हम जो प्रोग्राम देते हैं वैसे बजाना है, तो कोई नहीं है। किनके साथ गए थे फ्रांस? तीजन भाई के साथ ना। फ्रांस हमारी सर और रियूनियन का ये प्रमाण पत्र ये वाला। अलग ही लेवल के खिलाड़ी है ये। इंडिया के बाहर भी बुरा नाम है, इंडिया के बाहर भी चलता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में गिनती हो जाता है मेरा। अंतर्राष्ट्रीय मतलब नामी काफी अंतर्राष्ट्रीय, पूरा भारत में पूरा है। भारत से बाहर के अंतर्राष्ट्रीय हो गए। चाहे हम एक ठो देश जाए चाहे दस ठो जाए, एक बार भी चले गए तो लग गया ना, ठप्पा लग गया, हो गया। यही हमारा दिल ख्वाहिश था, एक बार तो मैं भी चला जाऊँ। चला गया बस, उसमें बैठ के गए फ्लाइट में, है ना। 14 बार चढ़ाऊँ भाई। शुरू में दिल्ली बॉम्बे जब जाना होता था ना, तो अरे दिल्ली जाएंगे मुंबई जाएंगे ऐसा लगता था, बड़ा खुशी होता था मन। एक दौर ऐसे आए ना, कहाँ जाने का प्रॉब्लम, दिल्ली। अरे अब नहीं है। हाँ दिल्ली, अब इंडिया के बाहर ही जाने का मन रहता है। इंडिया में कहीं दूसरी जगह बताना तो समझ में आता है, दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे, दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे, मर गए साले कुछ। ऐसा था तो बहुत बहुत अति हो गए, मतलब माने प्रोग्राम। अब मेरे बजाने वाले को मैं जैसा भी बनाता हूँ, अपनी दिल की बात बता रहा हूँ, मेरे बेंजो बजाने वाले को जहाँ भी थोड़ा भी तकलीफ होता है ना, मैं तड़प जाता हूँ। उसका मेन कारण है कि आदमी के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। सही बात। प्रोग्राम में मान लो बेंजो खराब हो गया, अब उसके मन में क्या गुजर रहा होगा, हो सकता है मेरे गाली भी रहा होगा। नहीं क्या बनाया घटिया साला, मेरा बेंजो स्टेज में खराब हो गया, तो इसलिए मैं तड़प जाता हूँ, कोशिश करता हूँ उसका समस्या का समाधान हो जाए। अब पिकअप जिंदगी में खराब नहीं होता, आप लोगों को बता देता हूँ, कहीं कहीं पिकअप है जिंदगी में खराब नहीं होता। कब होगा खराब? जब उसमें पानी पड़ेगा। पानी पड़ेगा या साठ होगा तब, या नहीं डायरेक्ट उसको जैसे इलेक्ट्रिक पावर दे दिया तब, हाँ दो टो पॉइंट निकला उसका, है ना, और उसको डायरेक्ट प्लग में डाल देना तब वो भस्त हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। हाँ, बाकी एम्पलीफायर में चलाओगे, मिक्सर से चलाओगे, पिकअप जिंदगी में खराब नहीं होगा। लोग चुतिया बना देते हैं, अगर कोई कारण से नहीं बजा तुम्हारा पिकअप खराब चेंज करना पड़ेगा। उल्लू बना दिल्ली से आया था इंटरव्यू लेने, संस्कृति विभाग से भेजा था, तो दिल्ली से यहाँ आए थे टीम, वो छत्तीसगढ़ पूरे जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको सब खोज खोज के आज मेरे पास भी आए। भाग के मेरे पास बेंजो नहीं था, आज का बेंजो था, क्या था उसको बजाया मैं भी। और उसको पहले उसको लुक देखे ना,
पहचान नहीं पा रहे थे, पता है जब ये तो मेरे थोड़ा समझे थोड़ा देर से है कि तो मेरे बजाय कुछ पूरा लुक ही चेंज करेगा, खुश हो गया ना उसका क्या देखो दिखी वैसा रहा था ना एकदम, है कि नहीं चलो अंदर कलर था ना गुरु जी चलो रजत भाई तुम्हारा बंजो का काम कराते हैं हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं देखो सीढ़ी चढ़ रहा है रजत भाई हमारा अभी जा रहे हैं अपन गुरुजी के ऊपर गोडाउन में आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा व्यू एक नंबर व्यू है चलो मजा आ जाएगा ये गुरु जो है ना सबसे बेस्ट गुरु मतलब बहुत भाई लव यू यार अब मैं क्या क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा खुशी के बारे तो ये गुरु जी का पूरा यही चीज का दिक्कत शोरूम है यही चीज वो तो लुक को थोड़ा सा ना आप लोग जितने भी व्यंजन है मोटा मोटा है चौड़ा चौड़ा थोड़ा ना हाँ अभी पूरा पोर्टेबल बना रहे हैं देखो पूरा पोर्टेबल है ये नीचे का भाग है ना हाँ पिकअप है अब पहले का पिकअप चौड़ा रहता था बना नहीं है अभी बन मेरा पिकअप चौड़ा था ये तो अभी चालू किया इसको नया कुछ फाइनल होने वो जाली जाली वाला उसमें क्या रहता है कागज निकाल दो फिर ऐसे चमके रहो उस्ताद क्या नाम है राजू गायकवाड आपके गुरुजी का नाम राजू गायकवाड राजू गायकवाड तुकाराम ठाकुर के गुरुजी का नाम बताओ कितने का समझा भी नहीं मिलता क्या वाला मिलता है पर अभी मेरे ख्याल से 12,000 हो गया 12,000 क्वालिटी कैसा है उसका पहले 10,000 में दिया था उसका फ्रिज और फ्रिज स्पीकर किधर लगे नीचे लगे Thank you.
छत्तीसगढ़ में अपने टुकाराम गुरु जी का बैंजो सबसे खाटी अलग ही लेवल का हो गया भैया। कुछ बोलना चाहोगे रजत भाई? मैं बोलूंगा अलग से, बैंजो क्वालिटी अलग से। धनु भाई कैसा लगा आपको? अरे भाई मैं तो बोलने के शब्द इतने खतरनाक प्लेयर इतने बता छत्तीसगढ़ में हम लोग मिल रहे हैं नाम है हम लोग मिल रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है। क्या हम लोग मिल रहे हैं बहुत बड़ी बात है हम लोग को सौभाग्य। आपका बैंजो किस दिन से चालू होता है और ऐसा बैंजो चाहिए तो इंसान को कितने रुपए देने पड़ेंगे? बैंजो दो रेट में बना रहा हूँ मैं अभी जी, एक 19,000 में एक 25,000 में। अच्छा 25,000 वाला का है? हाँ ये भी रखा है 25,000 वाला भी 25,000 है इसका तो आप देख ले होंगे। और 19,000 वाले में सनमाइका से बनाते हैं उसमें दिखावा सब लगाना पड़ता है। हमारा भी चाहे 19,000 वाला रहे चाहे 25,000 वाला बस दिखने में फर्क है। सही बात है आजकल दिखने वाला चीज ज्यादा आदमी का 100 रुपए कपड़ा भी कम घटेगा 1,000 रुपए मीटर कपड़ा बने तो भी कम घटेगा। अरे आदमी की तो नहीं यार मैं 100 रुपए बहुत पहले इस बार 1,000 रुपए पहनूंगा। हाँ ये तो कपड़ा पहन लिया 1,000 रुपये का हाँ कभी घटा नहीं उसका बस बस पर कपड़ा जो पहना है वो 1,000 रुपये का है। मेरे वही कंडीशन में है बेंजो 25,000 का बना है या 19,000 का बना है बजना तो है ही वैसे शौक है कि मैंने 25,000 का बेंजो बनाया। पब्लिक ये है उनका स्टोर रूम, यहाँ पे पूरा लकड़ी वगैरह रहते हैं। ये देखो बेंजो पड़ा हो इनका मास्टर बेंजो ये लकड़ी है पूरा बन के रेडी है। ये लकड़ी इधर भी है। पब्लिक मतलब यहाँ बेंजो छोड़ो ना कोई टेंशन नहीं एकदम फ्री होकर मिलता है। और इधर भी है लाइट वगैरह। ये पूरा सामान है इनका औजार है ये लकड़ी यहाँ पे लकड़ी काटी जाती है यहाँ पे लकड़ी काटते हैं गुरुजी बैंजो बनाते हैं वो ना उसका सांचा। मतलब पब्लिक गुरुजी इतने प्यारे हैं कि मतलब अपन कोई दूसरे दुकान जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे बात होता है कस्टमर रूडली टाइप से तो इनका वैसा आदत नहीं है। मतलब जैसे कोई भी आए हम लोग जैसे कि हम लोग बजाते हैं हमको जानते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई भी आए प्यार से मोहब्बत से बात करते हैं और उनको जैसा चाहिए उनको वैसा चीज़ मिलता है रियलिटी में। वरना मैं ऐसे ही मैं किसी का वीडियो ऐसे ही नहीं बनाऊँगा। इनका बहुत इज्जत है दिल में बहुत इज्जत है मतलब क्या बोलूँगा यार आप लोग को। मेरा बैंजो मैं जब लिया था 15,000 का बैंजो था मतलब आज से छः सात साल पहले लिया था मतलब वहीं से लिया था रायपुर के लोकल दुकान से। तो आज वो बैंजो को यहाँ लेकर के मतलब मेरे को हो गए गणेश टाइम में लेके आया मतलब ऐसा बन गया वो बैंजो कि
कोई बजाएगा ना तो बोलेगा भाई क्या बैंजो है तुम्हारा, ऐसा बना दिया मेरा बैंजो। तो बैंजो क्या बज रही थी देखा तू? हाँ अरे बहुत हर बैंजो तगड़ा रे, अलग ही लेवल के है। मतलब मेरा बैंजो पूरा हुलिया चेंज हो गया, बज भी एकदम अलग रहा। सब चीज आप लोग तो देखे होंगे कि बैंजो कितना प्यारा मीठा आवाज आता है, सब इन्हीं का देन है। और थोड़ा जो है बजाने वाला भी होना तो वो हैंड से भी फर्क पड़ता है, ऐसा है मैटर। पब्लिक यहाँ अगर आपको बैंजो लेना है तो यहाँ जरूर आना, इनके जैसा बैंजो छत्तीसगढ़ में मेरे हिसाब से कोई नहीं बनाता यार। दिल खुश है भाई। चलो चलते ब्रो। ये था गुरु जी का ऑफिस भी और घर भी, दोनों था गुरु जी का। अंतरराष्ट्रीय कलाकार भाई, गुरु जी अपने जमाने में फ्रांस में भी बजा चुके हैं, बताओ कितनी बड़ी बात है। इसलिए तो अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं इनको। किसमें बजाते हैं हम लोग? और हम लोग धुमाल में बजा रहे हैं, वहीं के वहीं। तो गुरु जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आशीर्वाद दे दो। खुश रहो। चलो भाई लोग अब चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो पब्लिक सब काम तो हो चुका है, गुरुजी से भी मिल लिया अपन ने, तो अब चलते सीधा रायपुर, क्योंकि अभी मौसम खराब हो गया है, पानी गिरने का पूरा संभावना हो गया है, पूरा हवा पानी सब चल रहा है, दूर में पानी भी गिर रहा है, भाई लोग बता रहे थे दूर में पानी गिर रहा है करके। चलते सीधा रायपुर, रायपुर में मिलते हैं, ठीक है भाई बाय। फूल पानी गिर रहा है, फूल अलग से फूल ठंडा लग रहा है यार, अपना भाई बेचारा भीगते भीगते गाड़ी चला रहा है, देख रहे हो पानी देख रहे हो। पब्लिक फाइनली मैं घर पहुंच गया हूं, और कल रात को पहुंचा क्योंकि कल रात को वीडियो नहीं बना पाया मैं, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि रात को पानी गिर रहा था, पूरा भीग गए थे हम लोग, तबीयत भी अच्छी नहीं लग रही थी, दूसरी बात लाइट भी गोल था कल, और 8 बजे हम लोग पहुँचे तो 1 बजे रात को लाइट आया, तब तक मैं सो गया था दवाई खा के, क्योंकि मेरे को तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था, बुखार बुखार सा लग रहा था। तो आज नेक्स्ट दिन है और अभी सुबह के दिन के 12 बज रहे हैं, और बढ़िया बाल वाल कटा लिया हूँ। अच्छा, क्योंकि नवरात्रि शुरू होने वाली है तो बाल वाल अभी से कटा लिया हूँ। यहीं पे अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं, और कुछ सीखने मिला हो तो कमेंट में प्लीज़ बताना, और आप लोग को जो भी कंटेंट चाहिए रहता है या कुछ भी आपको लगता है कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताया करो, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, जितने भी लोग हैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ मैं। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखो पब्लिक, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जय जय श्री राम।